हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों को एक टिप्स बताऊंगा जो कीवर्ड फाइंड के बारे में। आप किसी भी कीवर्ड फाइंड को किसी भी वेबसाइट का कीवर्ड फाइंड कर सकते हो। एक सीक्रेट है, ये मैं डेस्कटॉप की स्क्रीन पे बताऊंगा, जिसके पास आरएफ लेने का पैसा नहीं है और मतलब आप परेशान नहीं होना चाहते हो, किसी भी वेबसाइट का आप कीवर्ड फाइंड कर सकते हो उसका, और लो कॉम्पिटिशन वाला कीवर्ड फाइंड कर सकते हो। तो मैं सारी चीज़ बताऊँगा डेस्कटॉप की स्क्रीन में, और बताने से पहले हमेशा बोलते हैं मेरे चैनल में जो है सब्सक्राइब करना प्लीज़ और बेल आइकन को प्रेस करना। चलिए शुरू करते हैं। Please subscribe my channel and press the bell icon for more video. तो दोस्तों, मैं अगर डेस्कटॉप यूज करें, अभी कोई भी आर्टिकल्स पे काम कर रहे हो, जैसे मान के चलो कोई न्यू ब्लॉगर है, जो भी ब्लॉगर है वो क्या करता है, आर्टिकल्स जब पोस्ट करता है हमेशा क्या ढूंढता है, जो जिसकी डोमेन अथॉरिटी बहुत ज़्यादा है उसकी पता लगे, जिसको मीडिया में 20-25 है डोमेन अथॉरिटी, वो क्या करता है लो कम्पिटिशन की वर्ड, हाई वॉल्यूम वाला की वर्ड फाइट करता है। अभी आप उसके लिए परेशान हो जाते हो, किस में, आरएफ में, मोज में, कोई भी वेबसाइट में आपका आर्टिकल्स फाइंड करते हो, तो आपको मैं ट्रिक्स बताऊंगा। आप किसी भी वेबसाइट को जाके हैक कर सकते हो, मतलब ट्रैक कर सकते हो वो बंदा ने किस टॉपिक पे आर्टिकल लिखा। अभी मैंने एक आर्टिकल्स, हाउ टू राइट आर्टिकल्स, इस वेबसाइट में मैं कोई भी वेबसाइट, एक इस वेबसाइट को ले लेता हूँ, इसको न्यू टैब में ओपन करना है। अभी मान के चलो ये बंदे ने इस आर्टिकल्स पे, इस कीवर्ड पे काम किया तो पता चल गया। अभी इससे पहले आगे पीछे कोई भी वो आर्टिकल्स लिख सकता है, अगर जो भी आर्टिकल्स लिख रहा है उसमें कंपटीशन किया होगा नहीं होगा मेरे को नहीं पता, लेकिन वो बंदा ने क्या क्या टॉपिक पे आर्टिकल लिखा रिसेंट, और भी कितने लिखा जो मेरा मतलब क्या है लो कंपटीशन वाला, उसके कितने आर्टिकल्स यूआरएल वगैरह चेक कर सकते हो। तो कैसे कर सकते हो मैं बता देता हूँ। कोई भी वेबसाइट में आप कोई भी कीवर्ड जैसे फाइंड कर दिया, आपको पता चल गया इस वेबसाइट रैंकिंग में है, अभी उसको, अभी उसके पीछे और भी क्या, इससे पीछे क्या क्या काम किया, कौन सी वेबसाइट में लो कंपटीशन है, जो भी सारे चीज़ चेक कर सकते हो। अभी इसमें क्या करना है, आपको वेबसाइट का हटा के इसमें करना है साइट मैप, साइट मैप डॉट एग्जामल, इसमें क्लिक करोगे, देखते हो जैसे एग्जामल क्लिक करोगे तो उस बंदे का एग्जामल साइट आ जाएगा। अभी डेट कौन सा है, 8/29 है, 29/8 है, अगस्त का है। अभी मैं और भी डेट में जा सकता हूँ, और जा ये जो सारे पोस्ट है सारे पोस्ट है टैग है। अभी कोई भी पोस्ट अब उठा लो, जैसे इस डेट में कौन सी पोस्ट लिखा है इस बंदा, अभी कौन सी कीवर्ड पे काम किया वो हमको पता चल जाएगा। अभी कौन सी, मैं इसको क्लिक करता हूँ, क्लिक करने के बाद हमको अभी देखो इसके यूआरएल दिख गया, मतलब ये मेन फोकस कीवर्ड, जो मेन कीवर्ड कौन सी किसके ऊपर काम किया, 10 lines on Facebook, पीकॉक, 10 lines on my mother's, और 10 lines on the healthy food, ठीक है। कोई भी वेबसाइट का आप आर्टिकल्स इसमें कीवर्ड को फाइंड कर सकते हो। देखो सारे, अभी इसमें मैं कोई भी कीवर्ड को ले लेता हूँ, अभी इस कीवर्ड को ले, 10 lines on my mother, नहीं, अभी एक कीवर्ड ले लेता हूँ, 10 lines on my mother, अभी इस किसको, इस यूआरएल को मैं जाता हूँ, अभी बंदा ने 10 lines on my mother, तो मेरे को क्या ये वाला फोक उसका कीवर्ड ये था मेन, जो यूआरएल में भी दिखाई देता है। अभी इस कीवर्ड को लेके आप गूगल में सर्च करोगे, गूगल में सर्च करोगे तो आपको उसी वेबसाइट दिखाई देगा जो टॉप रैंक में है, देख रहे हो ना। तो इस वेबसाइट, अगर कोई टॉपिक अगर मिल रहे तो आपको मेन फोकस जो कीवर्ड है वो मिल जाएगा आपको, ठीक है। अभी मैं और एक चीज़ बताता हूँ, ऑल इन टाइटल, ऑल इन टाइटल, टाइटल के बाद आपको डॉट देख के आपको एंटर मारना है। एंटर मारने के बाद आपको ये पता चल जाएगा इस यूआरएल पे, इस कीवर्ड पे कितने बंदा ने इसको टाइटल में लगा चुका है, 842। तो इसको कंपटीशन आपको लेना है कम से कम 100 है 15, जो नया वेबसाइट है क्या करना है 100 के नीचे ही लेना है, तो 50 लोग और भी बता रहे हैं, अगर 20-25 है, अगर उसमें ट्रैफिक भी ठीक ठाक है तो आपको क्या होगा, 800 यूआरएल में है, ठीक, मतलब वो टाइटल में लगा चुका है। अभी मैं क्या करता हूँ, इसको कितना 852 दिखा रहे हैं, अभी मैं इसको करता हूँ ऑल इन यूआरएल, यूआरएल अगर करूँ तो यूआरएल में 550 दिखा रहे हैं, मतलब यूआरएल में कम है, मतलब एक्चुअली इसको यूआरएल में यूज किया 505 बंदे ने।
तो उसी हिसाब से आप इस पे काम कर सकते हो। अगर जिसको 2500 में आसपास है तो उसमें से आप उसको कीवर्ड फाइंड करके अपने हिसाब से दो एक वेबसाइट को देखना है, उसका डोमेन अथॉरिटी या पीए वगैरह चेक कर लेना है, जो डीएपीए चेकर होता है उसमें जगह चेक करके देख लो आपका वेबसाइट से थोड़ा बहुत अप डाउन है, फिर उसको आप कीवर्ड पे काम कर सकते हो, फिर उसमें रैंक भी हो जाएगा, आप आर्टिकल पे लिख सकते हो। ये था मेरा कीवर्ड फाइंडिंग का नया तरीका, तो आप लोगों को सिखा दिया। आज खेलते हैं, धन्यवाद।